वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनेटिव मैथ्स। तो आज हम प्रोबेबिलिटी के सेकंड क्वेश्चंस के बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, इसमें मोस्ट ऑफ बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे और हम इसे सॉल्व भी करेंगे कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम। ये क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन दिया गया है ए स्टूडेंट्स अटेंड्स ए 50 मार्क्स टेस्ट, 50 मार्क्स का कोई टेस्ट हो रहा है उसे अटेंड कर रहा है। नो नेगेटिव मार्क्स आर गिवन इन दिस टेस्ट, इस टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं दिया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही स्कोर 30 और 35 मार्क्स, हमें फाइंड करना है इसमें 30 और 35 मार्क्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 30 और 35 मार्क्स आने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 50 मार्क्स है। तो हम गलती कहाँ पे करते हैं, मोस्ट ऑफ बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं वो मैं बताऊँ आपको। तो वो टोटल आउटकम्स 50 ले लेते हैं, राइट। तो ये हो गया टोटल आउटकम्स आपका 50। अब अगर हम पूछे यहाँ पे कि 1 to 50 तक या 0 to 50 या 50 मार्क्स के अंदर में 30 और 35 कितने टाइम आएंगे, 2 टाइम आएंगे। जैसे 31 टाइम हो गया, 35 टू टाइम हो गया, सेकेंड टाइम हो गया। तो ये टोटल फेवरेबल आउटकम्स आपका 2 हो गया। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो ये 1/25। तो मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करते हैं, इसे 1/25 प्रोबेबिलिटी लिख कर आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसकी तो ये क्वेश्चन का आंसर अगर आप ये लिखते हो तो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है हम उस पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको लर्निंग होगा। तो प्रोबेबिलिटी हम कोई भी एक इवेंट सपोज कर लेते हैं ई, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम पहले फाइंड करते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर मैं यहां पे बात करूं 50 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है तो 0 to 50 ये कितने आउटकम्स हो गए, 50 हो गए। सॉरी, अगर हम बात करें मार्क्स की तो 1 to 50 हो गए। तो यहां पे बच्चे जो है वो 1 से काउंट करते हैं, 1 से आपको काउंट नहीं करना है। हो सकता है किसी का जो मार्क्स है, ऐसा नहीं है कि सभी के सभी पास हो गए, हो सकता है किसी का मार्क्स 0 भी आ सकता है। नॉन नेगेटिव दिया गया है लेकिन 0 तो नहीं बोला गया कि ना, 0 किसी का नहीं हो सकता है। तो 0 को भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, तो इस नंबर में हम 0 भी इंक्लूड करेंगे, 0 and 1 to 50। तो अगर हम 0 से अगर काउंट करें 50 तक तो टोटल आउटकम्स आपको फाइंड हो जाएगा 51, राइट। तो यहां पे हम टोटल आउटकम्स अगर हम फाइंड करते हैं तो टोटल आउटकम्स स्कोर बाय स्कोर मार्क्स कितना होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इस तरह से अगर हम काउंट करते जाए 50 तक तो टोटल हमें आउटकम्स फाइंड हो जाएगा 51। तो टोटल आउटकम्स स्कोरिंग मार्क्स का हो गया 51। अब हमारे क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना है, 30 and 35, या तो 30 आ रहा है या फिर 35 आ रहा है। तो 30 0 to 50 में कितना आएगा, 1 टाइम आएगा। 35 कितने टाइम आएगा, 1 टाइम आ गया। तो टोटल यहाँ पे कितने नंबर काउंट हो किया हमने, 2 नंबर। तो यहाँ पे हमें फाइंड हो गया फेवरेबल आउटकम्स आपको फाइंड हो गया 2 ऑफ गेटिंग मार्क्स 30 और 35। तो अगर अब इसका हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं और इसे हम सपोज कर लेते हैं कि ये इवेंट ई है या कोई भी आप सपोज कर सकते हो, तो
तो इसे हम सपोज कर लेते हैं पी ऑफ ई, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स आपको फाइंड हो गया 2 एंड टोटल आउटकम्स फाइंड हो गया 51। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 2/51, नॉट ए 2/50, बिकॉज ऑफ किसी भी स्टूडेंट्स का, कोई भी हो सकता है, एक भी स्टूडेंट्स अगर हो सकता है कि उसका मार्क्स 0 भी हो सकता है। यहाँ पे 0 to 50 ऐसा नहीं बोला गया कि 0 नहीं आ सकता है। हाँ, नॉन नेगेटिव के बारे में हमें दिया गया कि नॉन नेगेटिव ही आएगा, नॉन नेगेटिव मार्क्स दिया गया। नॉन नेगेटिव मार्क्स को अगर हम काउंट करें तो -1, -2 ये नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन अगर इसके बाद वाले हम नंबर्स को देखें राइट साइड में, तो 0, 1, 2 up to 50 ये सभी पॉजिटिव आ जाएंगे। दैट मीन्स टोटल आउटकम्स हमें 51 फाइनल होगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके जो भी कन्फ्यूजन है इस टाइप के क्वेश्चंस में वो ज़रूर क्लियर होंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद।